हेलो एवरीवन, मैं हूं लोकेश केडिया और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज जो कि आपको आपके एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक के लोग सभी लोग इसको यूज़ करते हैं। इवन स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेस, एमएनसीज सब लोग इसको यूज़ करते हैं। एंड जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी लर्न कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि ये उनके लिए आपको इजिली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, हम इस सीरीज में हम काफी सारे इसके जो फीचर्स हैं उनके ऊपर डीप डाउन गो थ्रू करेंगे, जिनमें से पहला होगा रिमोट कॉन। कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको कि आपने स्विगी देखा होगा या आपने जोमेटो देखा होगा कि आप अभी जैसे क्रिसमस का टाइम है तो आप देख रहे होंगे काफी सारे ऐप्स में रातों रात कुछ लाइव चेंजेस आ जाते हैं बिना किसी अपडेट के। सो वो कैसे पॉसिबल है, उनका कलर थीम्स कैसे चेंज हो जा रहा है। जैसे कि आप डील्स देखते हैं कि 60% ऑफ, 50% ऑफ, तो कभी वो 40 हो जाएगा, कभी 60 हो जाएगा, मतलब वो रियल टाइम रन टाइम कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो सब है फायरबेस रिमोट कॉन्फ़िग की हेल्प से, तो वो हम लोग जानेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि ऑथेंटिकेशन फायरबेस में कैसे हम पॉसिबल कर सकते हैं। जैसे कि आपको गूगल साइन इन करना है या आपको ओटीपी साइन इन करना है, फोन के थ्रू साइन इन करना है, तो वो सब कैसे हम लोग फायरबेस की हेल्प से इजिली हम लोग ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि रियल टाइम डेटाबेस क्या होता है। सो, अगर आपको अपना डेटा स्टोर करना है सर्वर पे ताकि आप वेरियस यूजर्स में सिंक कर पाए, लाइक आपको कोई चैटिंग एप्लीकेशन बनानी हो या आपको आपके फ्रेंड्स के साथ पोस्ट शेयर करनी हो इंस्टाग्राम पे, तो इस तरह का कुछ आपको रियल टाइम अगर कम्युनिटी टाइप ऐप बनाना है जिसमें आपको एक दूसरे यूजर्स का डेटा चाहिए, तो आपको आपका डेटा सर्वर पे स्टोर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बैकएंड चाहिएगा, आपको एक स्ट्रांग डीबी मेंटेन करना पड़ेगा, सर्वर मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा कॉस्टली है एंड अभी के स्टेट में पॉसिबल भी नहीं है बिगिनर्स के लिए। सो फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस इस चीज में काफी हेल्प करता है और हम उसकी हेल्प से बहुत इजीली हम हमारा डेटा स्टोर कर सकते हैं सर्वर पे और उसको रियल टाइम में सिंक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कि क्लाउड फायर स्टोर क्या होता है। क्लाउड फायर स्टोर बेसिकली फायरबेस रियल टाइम का ही वर्जन 2.0 है एंड इसमें जो फायरबेस में रियल टाइम डेटाबेस में कुछ कुछ कमियां थी उनको इसमें कवर किया गया है एंड दोनों के यूज केस थोड़े थोड़े डिफरेंट है, तो हम लोग जानेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं एंड कौन सा बेटर है और कौन सा कहाँ पे यूज करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में हम लोग इस सीरीज में जानेंगे कि क्लाउड मैसेजिंग क्या होता है। सो आपने बहुत सारे नोटिफिकेशंस देखे होंगे आजकल, जोमेटो में काफी ट्रेंडिंग नोटिफिकेशंस आ रहे हैं कि लाइक खाना ऑर्डर कर लो, ये कर लो, तो वो सब कैसे हो रहा है, आप नोटिफिकेशंस कैसे सेंड कर सकते हैं फायरबेस के थ्रू आपके एंड्रॉइड ऐप में। सो ये सब हम जानने वाले हैं इस पूरे सीरीज में। ये सीरीज जो है मेरी लास्ट सीरीज जो थी एंड्रॉइड बेसिक टू एडवांस, उसका ही एक कंटिन्यूएशन पार्ट है एंड अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिक्स जाके बेसिक्स के लिए आप वो चेकआउट कीजिए एंड उसके बाद आप ये सीरीज देखिए। सी यू इन द सीरीज।